हेलो नमस्ते जी, राधे राधे सभी को। और ये है 30 तारीख का व्लॉग। लेकिन ये जो सब आप देख रहे हैं राखी बंधन का, ये 29 की रात को ही हो गया था। खाना वाना खाने के बाद सब बैठे थे, क्योंकि शुक्रवार था कि आज ही राखी बांध देते हैं, कल सैटरडे है, राखी पे अब आएगा नहीं और फिर दोबारा बुआ भी नहीं आएंगी, तो इसलिए अभी राखी बांध दी है। और ये वीडियो मैंने म्यूट नहीं की है, जैसे हो रहा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखिए पहले इसको, फिर बाद में बात करते हैं। यो ना खोलता है, बहुत बहुत दिन पहले रखा है। देखा ना जब तक चलती रहती। इसके इसके गेवा खाओगे हो? ये वाली मैंने ना गेवा ना गेवा की पहले बांध तो गई हो नहीं जमीन को ली। पायल क्या बांधेंगी ना, एक मामा वाली वो नहीं। पायल के बांधो मम्मी, बांधी मैंने। कहाँ बांधी पायल के? बांधी। अच्छा आज ही लाई खरीद के तो लाई, इससे खरीदवाई थी मैं तो, खरीद के वहां तो गई हूं मैं। आप ये वाली बांधना मामी की, जो लाल वाली ये को ले के खा ले जी। सारा खा लो सारा, यो बिना चश्मे के ये लगाई है। ननंद ज्यादा बुढ़ी हो और क्या, ननंद तो नहीं बुढ़ी होंगी, ये हम सही है। हाँ सही है, सही बोल ना। हाँ ननंद तुम्हारी थी बांधो आप भी बार बार बंदा बार बार खोल इसलिए मुझे ये वाला पसंद नहीं है। ये कम मीठे के होते हैं लेकिन ये चबाने वाले दाल होगा। हां मूंग दाल की मिलती है हमारी, पहले चबाने जाना पड़े ना मामा को। ये घी में भुनना मूंग दाल को, इसे ज्यादा हैवी हो ये हैवी तो ना, बस वो है। और क्या करता है भाई, ये खाएगी ये खाएगी ये खाएगी ना। हां दीदी ये और खा ले तीस तारीख की सुबह जल्दी उठ के पूजा कर रहे हैं। टाइम हो रखा है 8 बज रहे हैं सुबह के, तो हम सब बैठ के पूजा कर रहे थे। मैं रामायण पढ़ रही थी, दीदी और सुन रही थी। अभी देखो थाली लगा कर रख रखी है, मंदिर जाएंगी और बड़ा मन लग रहा है। दीदी और आई हुई हैं, मैंने छोटे वाले दीदी को भी बुलाया था लेकिन उनके ससुर बहुत बीमार हैं तो इसलिए वो नहीं आ पाई। उनकी कमी हमने बहुत कम मतलब महसूस की। अब पता नहीं फिर सारे कब इकट्ठे होंगे, राखी पे होते हैं तो अब की बार दीदी और राखी पे भी नहीं आएंगी क्योंकि वो पहले ही आ गई हैं। अब बस मंदिर से आने के बाद खाना वाना खाया, खूब बैठ के एंजॉय किया। अब बस जाने का नंबर आ गया दीदी और का, मैं पैर छू रही तो खूब सारा आशीर्वाद दे रही हैं। अब बस बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही चाहिए और क्या जीवन में चाहिए होता है, इसी से फलते फूलते हैं। बस बड़ों का सम्मान करो, आदर भाव करो। मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरे नंदों के साथ। अच्छी मेहनत करके पड़ी है, जो किसी
शहर तो पढ़ गया तो पीने का वो हाँ ठीक है बाय बाय बाय। और मैं दीदी को छोड़ने जा रही हूँ नाले तक, मतलब रिक्शा में बिठा के आऊँगी। अब मैं कह रही थी कि लाओ बैग मेरे को दे दो, तो कोई सी ने दिया, कह रही नहीं रहने दे हम लेके चलेंगे। अब बस मैं कह रही थी कि मत जा, मगर नहीं चलो चलती हूँ बिठा के आती हूँ। अब वापस आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मैं थकान महसूस हो रही थी। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह रसोई पूरी क्लीन की क्योंकि थोड़ा सा काम फैल रहा था, तो बर्तन वर्तन एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो सब क्लीन करने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अभी चाय खदक रही है, दूध भी नहीं डाला है। और देखो, और उसके बाद फिर मैंने बनाए मंदिर के लिए पर्दे। ये मैं कपड़ा लेके आई थी हरियाली तीज के लिए कि मैं ग्रीन ग्रीन सब मंदिर में लगाऊंगी, सब चीज़ें ग्रीन, और ये कपड़ा मैं लाई थी, तो इससे मैंने पर्दे बनाए हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे से होल काट रखे हैं इसमें, ये प्लास्टिक वाले मैं छल्ले लेके आई थी, तो ये छल्ले मैं लगा रही हूँ। ये छल्ले ना 5 रुपये का एक मिला है, इजीली मिल जाते हैं, मुझे लगा कि मिलेंगे नहीं, लेकिन आराम से मिल गए हैं। स्टील वाले तो नहीं मिले, प्लास्टिक वाले मिले हैं, लेकिन ये भी अच्छे लग गए। एक पर्दे में मैंने 6 छल्ले लगाए हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़े पर्दे नहीं लगाए क्योंकि मुझे मंदिर में लगाने हैं, तो मंदिर में ज़्यादा घूम वाले पर्दों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बंद तो होता नहीं है ज़्यादा देर के लिए, तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे दूरी पर लगा दिए हैं। 6 छल्ले लगाए हैं एक उसमें, तो 3 चुन्नट पड़ेंगी 6 छल्लों में, और बड़े पर्दे में 8 लगते हैं और बड़ी चुन्नट होती है उसकी, तो थोड़ी दूरी दूरी पर लगते हैं। इस पर मैंने नज़दीक लगाए, देखो ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। और जहाँ छल्ले लगे हैं उसके नीचे मैंने लेस भी लगा दी है इसमें। और अभी मैं जब ये काम कर रही थी तो फोन आया हुआ था इनका, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी साथ साथ। और ये दूसरे पर्दे में भी मैं अब छल्ले लगा रही हूँ, दूसरा भी सिल के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा था कि मैं बना नहीं पाऊँगी पर्दे, लेकिन ये बहुत ईजी बन गए, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं हुई इसने बनाने में, बहुत ही आसानी से बन गए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कपड़ा ला के घर के पर्दे भी बना सकती हूँ, जितनी आसानी से ये बन गए हैं ना। देखो छोटे छोटे से बनाए मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, पर बहुत क्यूट से बने हैं। और अब मैं बना रही हूँ मंदिर में बिछाने के लिए कपड़ा, क्योंकि मैंने सोचा है कि सब चीज़ें ग्रीन बनाऊँगी, कि पर्दे ग्रीन हो गए, बिछाने वाला कपड़ा ग्रीन हो गया, जो शंख के नीचे कपड़ा लगेगा वो भी ग्रीन होगा, और माता के कपड़े ग्रीन, और लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी ग्रीन। हरियाली तीज है ना, तो सब हरा हरा। देखते हैं कितनी सफल होती हूँ मैं तैयार करके, पूरा मंदिर आपको दिखाऊंगी तब आप बताना, अभी तो केवल तैयारी चल रही है। और काफ़ी लेट तक मैंने काम किया है ये, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला ये सब करने का। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे आपने काम सोचे हों वैसे वैसे नहीं होते, आगे पीछे हो जाते हैं। भाई इंसान है हम भी, ऐसी बात नहीं है कि भाई रोबोट तो है नहीं कि बिल्कुल टाइम पे होगा काम। तो ये मैंने इस तरह लगाया है, किनारी पे एक लेस लगाई है समोसे वाली, और बीच में वैसे वाली लेस लगा दी है। ये शंख के नीचे बिछाने वाले 2 कपड़े बना दिए हैं, और ये जो कपड़ा बना रही हूँ ये बनेगा गोरा माता के, वो लक्ष्मी माता के नीचे बिछाने के। और ये बना रही हूँ मैं, मेरे पास ये पिंक नेट रखी थी पायल की बुआ के यहीं से लाए थे हम, ये इसके मैं बना रही हूँ माता की चुन्नी। ये मैंने चुन्नी के नाप का काट लिया है, और इसमें मैं लेस लगा दूँगी चारों तरफ माता को ओढ़ाने के लिए। गोल्डन कलर की लेस मेरे पास कई तरह की हैं, तो उसमें से मैं इस पर लेस लगा दूँगी। और भी आप देख सकते हैं कि मैं इसके चारों तरफ, और इसको आपको तुरपने की भी ज़रूरत नहीं है, लेस रखो ऐसे ही सिल दो, और ये बहुत आसानी से लग जाती है। ये मैंने इस तरह इसके ऊपर रख के, और बस आराम आराम से थोड़ी बड़ी सी सिलाई करके और लगा ली है। और इधर मैं डबल लेस लगा रही हूँ, नीचे तो ये मोती वाली लगा रही हूँ, तो इस मोती वाली लेस में ना ऊपर सिंपल कपड़ा होता है, उसके ऊपर मैंने ये वाली लेस लगा दी है, तो उससे वो जो कपड़ा था सिंपल सा वो कवर हो गया है,
ये मेरी चुन्नी बनके तैयार हो गई है माता के लिए। बस इस तरफ की लेस रह रही है, इसे लगा के ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। अब देखो ये चुन्नी अगर आप मार्केट से लेने जाओगे कम से कम है 60-70 रुपए की देंगे वो। अरे इसमें 10 से 20 रुपए का सामान लगा होगा। कपड़ा तो मेरे पास था, लेस 5 रुपये मीटर वाली है, मोती वाली 10 रुपये मीटर वाली है। कितनी थोड़ी थोड़ी सी लगी है देख सकते हैं। और ये एक लहंगा मैं माता का बिल्कुल सिंपल काफ़ी पहले लेके आई थी, ये मेरे को 70 रुपये का मिला था। और जो इस पर मैं अब काम करूँगी, अगर इस काम को हुए हुए मैं इसको लेती ये कम से कम 250-300 का मिलता। तो अब मैं इस पर ये जो पेच रखे हैं आपको दिख रहे हैं, ये पेच लेके आई हूँ, ये 120 रुपये के 12 पेच मिले हैं मेरे को। तो इसमें माता के लहंगे में मैं इस पर ये चिपकाने वाली ग्लू लाई थी मैं, फेवी ग्लू जो है होती है, इस पर इसे पेच पे लगा लूँगी इस तरह और इनको ऐसे चिपका दूँगी, इस तरह चिपका दूँगी। तो ये एक ना मतलब सिंपल जो मैं लहंगा लाई थी ये डिजाइनर लहंगा बन जाएगा माता का। और नीचे भी मैंने जो पर्दों में लैस लगाई है ना वो माता के लहंगे में लगा दी, क्योंकि मुझे इसकी हाइट थोड़ी कम लग रही थी तो ये थोड़ी लंबाई बढ़ गई है इससे। और ये बारीक बारीक से मोती मैं इस पर लगा रही हूँ, ये भी मैं लाई हूँ, ये 10 रुपये का पैकेट मिला है और इसमें 20 मोती हैं एक पैकेट में। अब देख रहे हैं ना ये ग्रीन वाला रखा है, ऐसा ही रेड भी था तो ये मैंने इस पर लगा दिया है। देखो डिजाइनर बन गया है, प्लेन लाई थी ये डिजाइनर लहंगा बन गया है माता का। करने की चाह होनी चाहिए मन में, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने माता के दुपट्टे पे भी लगा दिया, चुन्नी पिंक बना लिया इस पे मैंने, तो ये ग्रीन हो गया है और ये दुपट्टा और लहंगा तो ग्रीन हो गया है और चुन्नी मैंने पिंक बनाई है। इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, 1 से 2 घंटा अच्छे हो जाएंगे। वैसे तो मैं सुबह ही पहनाऊंगी माता को, तो रात रात में अच्छे हो जाएंगे। अब जो मैंने कर्टन बनाए हैं उन पर मैं ऐसे सलवट डाल के मतलब प्लेट्स डाल के और अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ ताकि वो सेट हो जाएं, इधर उधर ना भागें। इस काम में काफ़ी लेट हो गया था मेरे को, लेकिन मैंने सोचा नहीं काम कंप्लीट करके सोना है, क्योंकि फिर सुबह के लिए ना फिर एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो जितने हमारे लिस्ट में पूरे दिन के काम होते हैं, एक बच जाए दो बच जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर हम कहीं काम छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे का फिर रूटीन बिगड़ जाता है। देखो 11:30 का टाइम हो रहा है। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं सब? काफ़ी लेट हो गया आज आपको, मैं इतनी लेट मिल रही हूँ। अब काम लगभग हो गया है सारा, 11:30 का टाइम हो रहा है। अब काम करते करते ना आज पूरा दिन हो गया ऐसा ही। अब की बुआ हार गई हैं, उसके बाद से घर संगवाने में और बाकी चीज़ों में। अब जाएगा कल, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। देखो अब का बैग पैक हो गया है, सुबह जाना है मेरे बेटे को, इधर उसके कपड़े रख दिए हैं जो पहन के जाएगा। और सुबह जल्दी उठ के लिए उसके लिए खाना वाना बना रहा है। और कल है तीज, तो तीज की भी तैयारी करनी है। और अबे के जाने से पहले पूजा वगैरह भी करनी है। और आज मैं बस तीज की ही तैयारियों में बिजी थी बहुत ज़्यादा। माता के कपड़े बनाए हैं और लड्डू गोपाल के तो मैं बने बनाए लेके आई हूँ, लेकिन मंदिर के डेकोरेशन के लिए कुछ बनाया है तो बस वही मैं सब आपको दिखा रही थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे और गुड नाइट।